मेरा नाम मोनिका सिंह एडवोकेट है, 30,000 कोर्ट में मेरा चेम्बर है। मैं हसदो इंडिया के लीगल सेल के चेयरमैन। जो पीड़ित वर्ग होता है उसको हर तरह से दबाया जाता है, उसको लालच दिया जाता है। पहले उसको लालच ये दिया जाता है कि जी आप पैसा ले लो, आप पैसा लेकर केस वापस ले लो। दूसरा, अगर वो लोग पैसे किसे भी नहीं मानते हैं तो उनको फिर ये दबाया जाता है कि जी आप लोगों के परिवार वालों को मरवा दिया जाएगा, आपके तेजाब वही कहीं पीछे से दबाया जाता है। इस सब को लेकर हमें चाहिए कि हम उस पीड़ित वर्ग के पीछे इतना स्ट्रांगली खड़े रहें कि जो एक्यूज लोग हैं, जो प्रताड़ना देते हैं, जो पीड़ित लोगों को परेशान करते हैं, वो लोग उतना आगे ना काम कर पाएं। इसके लिए सिर्फ कानून, सिर्फ एक कोर्ट में बैठा जज कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें समाज को लेकर स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें उनके लिए आगे आना पड़ेगा। बहुजन समाज का, सर मैं सच बताऊं तो बहुत विडंबना है इस बात को बोलते हुए कि हम ही लोग छोटे छोटे टुकड़ों में फंसे हुए, बंधे बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं हम लोग, हमें जातियों में बटे हुए हैं। जब भी कोई एट्रोसिटी होती है तो हम वहां जाने से पहले हम इंसानियत नहीं देखते हैं, हम ह्यूमैनिटी नहीं देखते हैं, हम वहां जाने से पहले ये देखते हैं कि जी हमारा क्या फायदा होगा वहां। तो हमें चाहिए कि हमारे समाज का जो भी जिस भी व्यक्ति के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम उसके साथ में खड़े रहें, उसको भी हिम्मत आती है। सर अभी आईपीसी में जो अमेंडमेंट हुआ था, निर्भया कांड के बाद में जो आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें एक अमेंडमेंट ये भी आया था कि इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो भी एट्रोसिटी होती है, उसमें 3 महीने के अंदर अंदर उस केस का निपटारा होना चाहिए। ये आया हुआ है कानून, इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और होपफुली आगे भी इस पर अच्छा कुछ होगा। सर ये वाकई में इस बात को लेकर तो कोई दोराय नहीं है कि बहुत ही घिनौना कृतज्ञ है, समाज में इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस एक मुद्दे को आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया हुआ है, लोगों ने जाति का मुद्दा बनाया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। एक समाज है जो हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है, एक समाज है जो मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहा है, एक समाज बोल रहा है कि जी ऐसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए जो किसी दूसरे समाज की लड़के के साथ में जाकर रहती है। मेरा कहना यह है कि गलत गलत होता है, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस मुद्दे को समाज का, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का मुद्दा ना बनाकर इसको एक ह्यूमैनिटी का मुद्दा बनाया जाना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए सपोर्ट में खड़े होना चाहिए, ना कि उनकी गलत बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया है कि ठीक है, लीगल ये लिव इन में रह सकते हैं लोग, अगर एक दूसरे के साथ में वो लोग खुश हैं तो। इस तरह की सिचुएशन में जाति, धर्म, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। गलत एक्चुअली यहाँ हो रहा है कि जब भी कोई केस आता है, अगर वो हमारी दलित महिलाओं से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आयु दूसरी जाति का होता है। उस तरह की सिचुएशन में वो हर तरह से कोशिश करता है कि जो एक्यूज बच जाए, उनके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग केस ना बनाया जाए। आयु से होते हुए अगर एफआईआर, पहले तो एफआईआर कराने में ही मुश्किल आता है, अगर एफआईआर हो भी जाती है तो चार्जशीट में मेडिकल जो एमएलसी होती है, जिसे हमारी लीगल लैंग्वेज में एमएलसी बोलते हैं, कानून मेडिकल रिपोर्ट जो होती है, उसमें टाइम लग जाता है। इस तरह के सिचुएशंस में हमें चाहिए है कि एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाए जहां पर कोई भेदभाव ना हो, और जो भी आईओ इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है वो एक सिंगल आईओ नहीं होना चाहिए, उसकी एक टीम होनी चाहिए जो टीम वर्क करेंगे। तो मुझे लगता है, मेरा मानना है कि इस तरह की चीज़ों में फास्ट ट्रैक तरह से काम हो सकता है। सर हमारे कानून में ये कहा जाता है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। हमारा आईपीसी सीआरपीसी कानून बहुत अच्छा है और इसमें प्रोसीजर बहुत लेंदी है, बट एक ऐसा प्रोसीजर है ये जिसमें कहीं भी लूपहोल नहीं दिया जाता है। पर चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं इस तरह के केसेस में। अभी नेट पर सारे केसेस की डिटेल अपडेट होती है, बट इस तरह के केसेस में नेट पर डिटेल्स नहीं डालते हैं, पर्सनल डिटेल्स। प्लस कोर्ट में भी जब भी एविडेंस होता है तो उस वक्त एक फीमेल जज होती है, मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनके सामने बयान होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग एक्चुअली फिल्मों में देख रहे होते हैं, फिल्मों में कोर्ट रूम में एक सबके सामने पीड़िता के साथ क्वेश्चनिंग होती है, उनसे पूछा जाता है, वो रियल में कोर्ट्स में नहीं होता है। अब एक प्राइवेट रूम में मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं, उनके सामने बयान होता है।